स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान से कर्करोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई तुम लौट आई ना? उन्हीं कहाँ है? सब बताती हूँ। आओ। क्या सोच रही हो सीता? सब अल्लाह की मर्जी है, हम वो सब नहीं बदल सकते। आप मेरे घर जाते हो भाई, सब खुश है ना? सब कुछ बढ़िया है। तुम्हारे जाने के बाद उस घर में कोई खुश नहीं है, वहां बस मातम छाया हुआ है। कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा, इतनी बड़ी गलती की है मैंने। जो हुआ उसे जाने दो। अच्छा, तुम्हारे साथ उन्नी क्यों नहीं आया? क्या उसने कहीं कुछ? 3 महीने पहले फ्लैट छोड़कर निकले हैं, एक सेंसेशनल स्टोरी लिखा है बोल के। उसके बाद कोई खबर नहीं है। अकेले कितने और वक्त तक मैं बॉम्बे में रहती? पहचान वालों ने बताया, तब यहीं आ गई। आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? कभी भी नहीं भाई, मैं उसकी जान हूं। उदास मत हो,
उसे कुछ भी नहीं होगा। इस हालात में तुमने यहां आकर अच्छा किया। उठा लेती हूँ। नहीं, और हाँ, अकेले मत जाना, मैं भी आता हूँ। दिलासा देने के लिए बहुत कुछ बोला होगा, पर मैं भी घबराता हूँ। आओ चलो। क्या हुआ वो इतनी रात को? सो गए थे क्या? बाहर अंधेरा करके रखा था। शाम होने का इंतजार ही होता है, सोना ही तो काम है अब। मेरे साथ कोई और भी है, आप गुस्सा मत कीजिएगा। कौन है वो? हाँ, देवकी। हमारी बेटी, 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 माजी, माजी, माजी। कौन है, क्या हुआ? ये देखो कौन है। मेरी सीता बेटी है क्या? दादी जी, मैं हूँ सीता। मेरी बेटी। राघवन नायर, अभी मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरी बेटी को देख लिया बस। इतने साल मैं प्राण बचाकर सोई थी, अभी शांति से मर सकती हूँ। हे भगवान, कैसी हो तुम बेटी? लंबे सफर से आई है, उसे नहाने दो। वो अकेले क्यों आई है? उसको काम से छुट्टी नहीं मिली, ऐसा बोली वो। आपने उससे बात नहीं की अभी तक, इसलिए उसने कुछ खाया नहीं। पूरी उम्र बात ना करने की एक वजह बन गई है वो। सुनिए, अभी वो सब भूल जाइए, हमारी ही बेटी है।
बाबा आओ बेटी आओ। पापा मैं मम्मी मम्मी आओ बेटी नदी पार गई थी आओ इधर बैठो इतने साल से एक हद तक नहीं ये तो बता सकती थी ये देखो कितने बड़े हो गए हैं आओ मामी को भूल गए अभी भी कहानी सुननी जरूरी है अच्छा है हर दिन नई कहानी की तकलीफ मेरी खत्म हुई है अभी तो मामी आ गई है अम्मा बच गए अच्छा अच्छा अम्मा आपको तो रसोई में काम है ना आप जाओ चुप अभी खाना खा के बात करते हैं आओ ये लो थोड़ा और लो अरे ले लो ना थोड़ा और ये लो पापड़ खाओ अभी मन शांत हुआ है सारा दृष्टि दोष हट गया है भगवान नहीं नहीं मैं करती हूँ चलो
संभल के पैर रखो। देखो मामी, बाबू को भी चाहिए ना। हाँ, क्यों क्यों नहीं, बाबू को भी माँ के हाथों मिल जाएगा। तुम लोग भी आ गए, एक और गाय लेना ही पड़ेगा। हाँ। दूध कम हो गया है, बच्चे आ चुके हैं ना। हाँ। आज दारू दुकान बंद है फिर भी तुझे फर्क नहीं, तुम्हारा दिन अच्छा हो, जाओ जी। तुम्हारी बीबी मायके से वापस आ गई क्या? जी आ गई है। हाँ। गोपाल ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ। पहला दर्शन मेरा नहीं हुआ ना? हुआ तो भी क्या, इस बार का सबसे अच्छा तोहफा तू ही तो लेके दिया, तोहफा तुझे भी देना ही है, लो रख लो, को मत ले लो। सीता कहाँ है? बच्चों को लेकर मंदिर गई है। मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के उतरो। सीता, सुमी, घर पे पूछा तो पता चला तू मंदिर गई है। काम पे लगी है सुना, प्राइवेट है ना? किधर भी हो चाहे, अच्छी पगार मिलती है। सरकारी काम का इंतजार करोगे तो मरने पे मिलेगा। क्या हुआ तेरी शादी की बात? ओह, शादी होने से रही, मांगलिक हूँ ना मैं, रिश्ते आते ही चले जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो ठीक, मैं भी तेरे रास्ते पे आऊंगी। कहाँ है इसके पापा? सब बताती हूँ। डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्नी आएगा। आएगा, वो मुझे भरोसा है। लेकिन इतना वक्त लगता है। आग से खेल रहे हो, थोड़ा संभल के बच्चों। बाबू सो गया होगा बेटी, बहुत रात हो गई ना। मामी, बाबू किसके जैसा दिखेगा? उन्नी मामा जैसा ही दिखेगा। मेरे बारे में भी बताओ अपने भगवान से। मैं क्यों बताऊं, तुम्हें तो भरोसा है ना। आ रहे हो कुछ दूर तक साइकिल पे? ए, मैं नहीं, कोई देख लेगा तो। अरे यहाँ कोई है ही नहीं, आओ बैठो। आओ ना। अरे अरे वहां नहीं, यहाँ। हाँ चलते हैं, पकड़ लो। हाँ। चले, पैर ऊपर करो।
धीरे ही चलाओ। मुझे सिखा रही हो? ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। लगा क्या मुझे? दिखाओ। चलो चले। मैं चल के जाती हूँ। अब नहीं गिरेंगे, मैं हूं ना। चलो संभाल के। हाँ। बस यहाँ से मैं चल के चली जाती हूँ। चलती हूँ। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
आओ, आओ। आओ, बैठो। दाढ़ी पूरा निकाल दो और मूंछ रहने देना, ठीक है? बेटी आ गई तो इंसान ही बदल गया। हाँ जी, एक नया जन्म ही समझ लो चंद्रा। आओ, घर आओगे ना? और नहीं तो क्या, मैं सीता से मिलने ही तो आया हूँ। पुरानी बातें सब मैं वो सब उसी दिन भूल गया था राघवन जी। मैं भी बाहर निकला हूँ, गांव में निकले और गांव वालों से मिले, कितना समय हो गया। सब ठीक है ना पंडित जी? सब ठीक है। खुश हो ना? हाँ। क्या हुआ छुतन जी? बच्चों से मिलकर इतनी जल्दी वापस आ गए? ऐसे दर दर भटकने से अच्छा आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? रहने तो छोड़ो, जो कुछ था आपने सब कुछ बंटवारा कर दिया, पर कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। कुछ खाया या नहीं? लेकिन दारू मत पीना। इस बार का त्योहार ऐसा होना चाहिए कि बूढ़े जवानों को मजा आना चाहिए। इस बार का त्योहार, हाँ देखिए, इस बार का त्योहार बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए। इस बार का त्योहार अच्छा होना चाहिए। और 4 साल तक आप नहीं थे तो सब कुछ अजीब ही था। इस बार मैं ही हर चीज में आगे रहूंगा। बस वही चाहिए। हाँ, हाँ। जब तक राघव जी आगे हैं, फिर हमें किस बात का डर है? इस बार का त्योहार अच्छा होना चाहिए, बुढ़े जवानों का मजा आना चाहिए। वो सीता के पति के बारे में कुछ पता चला क्या बेटा? कोई खबर नहीं मिली अम्मी। अपने दोस्त शरीफ को खत भेजा है मैंने। बंबई में उसकी अच्छी पहचान है, वो जरूर ढूंढ निकालेगा। घर वाले सोच समझ के निकाह करते हैं ना, तो बच्चों को खेल लगता है। हाँ, जब झेलेंगे तब समझेंगे। तूने कुछ खाया नहीं ना बेटे? भूख नहीं अम्मी। भूख नहीं ऐसा इसलिए नहीं, मैं जो बनाती हूँ तुझे पसंद नहीं ना बेटे। अच्छा खाना बना के देने के वास्ते एक लड़की लाने को बोले तो मुझे चिल्लाने लगता है।
हेलो, वो मैटर दिया नहीं, सेकंड पेज पर आना ही चाहिए, दो कॉलम रखो, समझे? हाँ, स्टिल सब वर्गी से लेकर आएगा। हाँ, मैं एडिटर से बात कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, आइए यहाँ बैठिए। हाँ, चाय लेके आता हूँ सर। इस बार का त्योहार अच्छा होना चाहिए। कौन हो? हाँ? कहाँ से आ रहे हो? हम दोनों पत्रकार हैं, शहर से आ रहे हैं। किससे मिलना है? चाय। ये सब महंगा होगा ना? जूम लेंस वाला है, 40,000 का। बंबई से एक सीता आई है, क्या जानते हो? हाँ जानता हूँ, हमारे राघव जी की बेटी है। अभी थोड़ी देर पहले नदी के पास से जा रही थी, क्या हुआ? भाई। हाँ, क्या हुआ? आपको ही ढूंढ रही थी, बच्चों को नदी में घूमने का मन है। ठीक है, चलते हैं। कभी ऐसे लगता है बॉम्बे जाके मैंने ये नदी, बोट, प्रकृति सब खो दिया था। कुछ भी हो, पर शहर की जिंदगी गांव के जैसे बिल्कुल नहीं होगी। वहाँ तो देखने के लिए बहुत कुछ होगा ना? ऐसे ही होता है, बड़े बड़ी इमारतें, रास्ते, सब है। पहली बार देखने में सब अद्भुत लगता है, बाद में पता लगता है कि हम अकेले ही हैं। अकेले ये सब सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो चलते हैं। आ जाओ। आराम से बैठ जाओ, यहाँ बैठो। ऐसे ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला। सीता, वो पुराना गाना गाओ ना। याद नहीं है भैया। हे, गाओ ना, सब याद आ जाएगा। मैं भी साथ में गाऊंगा। गाओ ना मामी। उतरो बेटी। हाँ, चलती हूँ। क्या तुम सीता हो? मैं हूँ, क्या हुआ? हम जर्नलिस्ट हैं, सीता से मिलने आए हैं। क्या हुआ, कुछ बात है? उन्नी के बारे में। सुमित्रा, बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं आती हूँ। मैं रवि, ये फोटोग्राफर एलेक्स, हम पेपर भूमि से हैं। उन्नी को जानते हो? हाँ, जानते हैं, हम एक साथ ही बॉम्बे में काम करते थे। ए, क्या कर रहे हो? नो प्लीज। उन्नी के बारे में एक खबर सुनी है हमने, एक सैड न्यूज। क्या हुआ? उसे एड्स था, बोला गया था।
डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। तो गड़बड़ है, ये खबर आखिर हिंदी पेपर में क्यों नहीं आई? ऐसे नहीं हो सकता, मेरे उन्नी को कभी ये बीमारी नहीं हो सकती। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, फिलहाल इस बीमारी के बारे में किसी को पता ना लगे बस। देवकी, बॉम्बे के रेड स्ट्रीट को कवर करके डॉक्यूमेंट्री बनाने में उन्नी ने कई लोगों से रिश्ते बनाए। उस तौर पर ये बीमारी फैली, ऐसा कहा जाता है। आत्महत्या और बीमारी की बातें पुलिस ने सही बताई है। सीता को और उसके गर्भ के अंदर बच्चे को भी बीमारी हो सकती है, ये डॉक्टर का कहना है। एक बार यहाँ देखिए, आपकी बेटी भाग गई थी ना? यहाँ कोई प्लग नहीं है क्या? इसे लगाना है। हाथ हटाइए ना। हमने सुना है कि आपकी बेटी भाग गई थी। उसने हमें कुछ नहीं बताया था। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? क्या जी, अब तो कुछ बोलिए, कब से पूछ रहे हैं आपसे, कुछ नहीं बता रहे हैं आप। बंद करो ये सब। ए, क्या कर रहे हो? ये इंटरव्यू के लिए आए हैं? बस हो गया तुम लोगों का इंटरव्यू,
सब उठा के जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सब तोड़ फोड़ दूंगा मैं। तुम कौन हो ये बोलने वाले? तेरी तो मैं। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो अभी, कभी निकलो अभी, गलती से भी एक भी न्यूज वाला नहीं आना चाहिए इधर। हे अल्लाह, ये क्या हुआ? उस लड़की का ये हाल हो गया? ऐसी हालत कभी ऊपर वाला किसी को ना दे। तू उससे मिला क्या? नहीं अम्मी, उसे देखने की ताकत नहीं है मेरे में। उसको कोई अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते? कैसे बाहर निकले? लोगों के सवाल जवाब से परेशान हो गए। सीता को नहीं बुलाया? सीता के लिए खाना अंदर कमरे में देते हैं। डर डर के हम यहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर रहना अकेले। मुझसे अब ये सब कुछ देखा सुना नहीं जा रहा है देवकी। खाने के बाद बर्तन भी धोकर रख देना। यहाँ कोई नहीं है क्या? आइए, अंदर आइए। बैठने नहीं आया हूँ, कल पंचायत की कमेटी थी, सीता इस गांव में नहीं रुकनी चाहिए, ये गांव का निर्णय है। आखिर मैं उसे कहाँ भेज सकता हूँ चंद्रन पिल्लई, ये उसका भी तो घर है ना। वो सब मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बस गांव वालों का निर्णय बताने आया था। कमेटी का निर्णय है सो है, लेकिन उसे ऐसी हालत में कहाँ भेजूं? शरीफ का खत आया है। उन्नी के मौत के बारे में जानने के लिए मलयाली एसोसिएशन और प्रेस वालों ने कहा है कि वहां के मुख्यमंत्री को अर्जी देनी होगी। जैसा हमने सोचा था वैसे कुछ तो गलत है। सच बाहर आकर रहेगा, बस हिम्मत मत हारना। मामी, किसी ने देखा तो नहीं तुम लोगों को? अम्मा नहीं है वहां। मामी, क्या बीमारी है आपको? मर जाओगे ऐसी बीमारी है, अम्मा बोली। सही बात है क्या? तो फिर मामी, आपके पेट में का बाबू भी मर जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। कितना भी बोलू मानते ही नहीं है, कुछ हो जाएगा तो मेरी बात मानते ही नहीं है, दोनों को मार दूंगी मैं। चल यहाँ से जा। ये विजय कब आएगा? मुझे नहीं मालूम, रात को ही आएंगे बोले। अच्छा ही होगा, अभी आने वाले वक्त में अच्छे से जी सकते हैं।
सब लोग चले जाओ, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बकवास मत करो देवकी, वो मर ही रही है, बच्चा पैदा करने तक भी नहीं टिकेगी। वैसे ही कुछ तो बीमारी है, जानबूझ के कोई अपने ऊपर लेगा क्या देवकी? हे भगवान, मेरे बच्चे को ये दिन दिखाया। वैशा के बेटे के साथ भाग गई तो जो होने वाला था वही हुआ ना, कर्मों का फल और क्या। अच्छा, मुझे छोड़ के जाने का सोच लिया ना तुमने आखिर? हाँ, क्या हुआ, दूध निकाल लिया? अबू भाई, यहाँ का काम छोड़ दो, बीवी ने बोला ऐसा। अबे गाय को वो बीमारी थोड़ी ही है भाई। ओ, रिश्तेदार चले गए तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जी तक सुनो, तेरा भाई आया था। फिर भी मुझे एक बार मिले तक नहीं। बचपन में मैं और वो तुम्हें बाहर लेके घूमते थे। हाँ।
हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आखिरी दम तक भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक बात, मेरी बच्ची कुछ गलत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। नहीं भैया, सबसे अच्छी गांव में मेरी ये चाय है, इससे अच्छी अब किसी को नहीं भाए, जो भी पिए वो मस्त हो जाए, जो भी पिए वो मस्त हो जाए, सबसे अच्छी मेरी। ये लो दूध। हाँ, तो तुमने अब दूध भी बेचना चालू कर दिया? राघव जी के घर का है। मेरी दुकान बंद करने का इरादा है क्या? उस घर से कुछ भी लेन देन नहीं करना है, ये गाँव वालों का निर्णय है। कमेटी? कौन सी कमेटी? पंचायत कमेटी। तुम इस गांव में नहीं रहते हो क्या? हैं? आपको तो पता है मैं बचपन से उस घर की रोटी खाते आ रहा हूं। खुद के बच्चों के साथ मुझे भी हमेशा किताब ला के देते थे सीता के बाबा। ये जात पात के नाम से आप मेरा दिल मत तोड़ो, मैं ये सब नहीं मानता। सब मानता हूँ, वो लड़की को फैलने वाली बीमारी है, तू भूल गया क्या? सब झूठ है ये, उन्नी को किसी ने मारा है। बॉम्बे से शरीफ का खत था, वहाँ वो लोग पूछताछ कर रहे थे। अच्छा है, तो ये झूठी कहानी है जो फैल रही है। मैं बहस नहीं करूँगा, मैं सीता को सिटी लेकर जा रहा हूँ अच्छे डॉक्टर को दिखाने। देख, जो बोलना था बोल दिया, सीता इस गांव से गई तो ही इस गांव वालों को शांति मिलेगी। इस मामले में ये गांव वाले सब एकजुट हैं, तू खिलाफ मत होना। ये दुनिया भी खिलाफ हुई ना तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। पक्का? तो फिर पक्का। फिर तुझे देश निकाला करना पड़ेगा। देखो, इस बंद मुट्ठी से भी ज्यादा कठोर है मेरा मन, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मरने तक इसी मिट्टी में जीऊंगा मैं। अल्लाह के बंदे को बस इतना ही काफी है। देश निकाला नहीं देना चाहिए था, बिना दूध के चाय जैसे अबू भाई के बिना यहां कुछ नहीं होगा। कोई जरूरत थी अपने ही लोगों से झगड़ने की? वो लड़की के मामले में घर वालों से ज्यादा तकलीफ है उसको। क्या कहते हो, अच्छी तो दिखती है ना? छी, निकल दुकान से। अबू भले ही गलत कर रहा होगा, उसके बारे में गलत बोला ना। मजाक सब अच्छा है, लेकिन औकात में रहकर। देश निकाला हुआ आदमी को तुम दुकान में बैठोगे? वो उनकी आपस की बात है, अबू दुकान में आके चाय मांगेगा तो क्या नहीं दूं? वो चेहरा देखते ही आधी जिंदगी जल जाती है। हाँ, देश निकाला आदमी को तुम दुकान में भी नहीं बैठाओगे, ठीक है। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये सब क्या तकलीफ है बेटे, यही समय पे सब कुछ खाने का मन करता है ना, क्या कर सकते हैं, खुदा ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है ना। अम्मी, मैं चलता हूँ, आपको कुछ पैसा चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए बेटे, तू संभल के जाना। तू यहाँ आता जाता है क्या? मस्जिद वालों ने पूछा, मैंने मना कर दिया। ठीक अम्मी, मैं आया था किसी को पता ना चले, नहीं तो वो सब आपको परेशान करेंगे। हाँ। हमको पहले से ही शक था, इसलिए इंतजार कर रहे थे। अरे सलीम, तुम हमें माफ कर दो, अभी झगड़ा मत करो। माफ करूं? तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो, अभी पूरे खानदान को देश निकाला कर देंगे।
गलती मेरी ही है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं होगा, मेरी अम्मी को छोड़ दो, उसे लेकर आऊंगा, वादा करता हूँ। बेचारी, वो वहां इंतजार कर रही होगी। हार गया हूं ऐसा मत सोचना, इसके नाम पे अगर मेरी अम्मी को परेशान किया तो जानते हो ना तुम मुझे। ताजा चिकन है समझ के खा लो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, बेचारी अम्मी, कितने दिल से बनाया था खाना, वो कमीने आ गए, अम्मी को भी बुरा लगा। आपने भगवान को देखा है? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं अभी भगवान को सामने ही देख रही हूँ। आज क्या हो गया, ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? आपको बीड़ी पीनी होगी ना, पी लो। अरे वैसी बात नहीं है, तुम दरवाजा लगा के सो जाओ, बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। ये बारिश में कैसे नाव में सोने वाले हो, आज यहीं सो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गांव वालों को इतना ही तो चाहिए। किसी को नहीं चाहिए हम दोनों यहाँ, तो किससे डरना है? तो फिर एक चटाई और तकिया दे दो, मैं वहां सो जाता हूँ। ओहो, अभी एक साथ रहने भी लग गए हो। अयो, अभी पता चला क्या भाई साहब? अबे फैल गया ना, तो कुछ करके मतलब नहीं। पढ़ा लिखाई वाला तुझे नहीं पता क्या? ओ, ये तो अजीब ही है बहुत। പൈതലെ നീ പേടിക്കേണ്ട, എന്നോടയാശ്രമത്തിങ്കൾ പോന്നാലും സീരേ
मुझे संभालने आए और सब काम सीख गए ना? ओहो, ये सब तो मैं घर पे हमेशा करता था। तो कैसी रही तुम्हारी मुंबई की जिंदगी? किसी को भी नहीं बोल सकती, ऐसे दुख है मुझे। भाई आपको पता है, 4 साल मेरे लिए मेले जैसे थे। मन को और तन को पूरी खुशी देकर उन्हीं गुजर गए। सुनो, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, आपसे एक बात पूछूं? हाँ? आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अच्छी उम्र के वक्त अम्मी ने बहुत बोला था, पढ़ाई के हिसाब से काम और एक खूबसूरत लड़की अम्मी की ख्वाहिश है। अभी भी हो सकती है। ए, ऐसी ख्वाहिशें मैंने कब की दिल से निकाल कर नदियों में बहा दिए। भाई आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? ये नदी, ये नाव सब मेरे अब्बू की याद है। सीता तुम्हें पता है, बचपन में अब्बू मुझे रात को नाव में बैठा कर नदी में घुमाने ले जाते थे। जब 8 साल का था तब अब्बू गुजर गए। ऐसे रात को नाव पे अकेले जाते हुए अब्बू मेरे पास आते थे। मैं अब्बू को महसूस कर सकता हूँ जब भी मैं नाव में होता हूँ। ऐसा लगता है कि अब्बू मेरे पास ही है। मार के भगाओ इसे। थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम में? इधर आकर ज्यादा मत बोल। चलो। मैंने पहले ही बोला था यहां मत आओ। भगवान को भी मुझसे नाराज की। ऐसा मत बोलो। ये लो पत्ता।
ऐसे नहीं भैया, बीच में से काटो इसको। मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं नहीं, उस घर पे नहीं जाएंगे। इधर चलो। यहाँ क्यों बैठी हो? भाई, मैंने कल एक डरावना सपना देखा। एक अजीब सा रूप मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उसमें मेरी ही छाया थी। तो फिर मुझे बुला लेती ना। मैं आई थी उठ के। आप अच्छे से सो रहे थे, इसलिए आपको नहीं उठाया। जो भी है डॉक्टर को दिखाते हैं, और वैसे भी 9 महीने होने वाले हैं तुम्हें। यहाँ से बाहर कैसे निकले? वैसे सिटी में रहती टीचर का आश्रम है, तुम वहाँ रुक सकती हो। टीचर के बारे में मैंने भी सुना है। कल के कल ही सिटी जाके टीचर से मिलते हैं। उस लड़की को यहाँ रुकने में तकलीफ होगी, ऐसा टीचर बोली। क्या मैं टीचर से एक बार मिल सकता हूँ? मैडम। यस। बाकी मैंने सब सुजैन को बोला था। ऐसा बोल के हाथ मत छोड़िए, कुछ दिनों के लिए तो। मिस्टर अबू, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? यहाँ के बाकी लोगों को तकलीफ मैं नहीं देना चाहती। सुनी सुनाई बातों से यहाँ आया था, सोचा था थोड़ी इंसानियत दिखाओगे। इस चीज में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। उस लड़की से मुझे कोई दुश्मनी तो नहीं? और कोई मदद हो तो हम जरूर करेंगे। और क्या मदद करोगे? तो फिर ठीक है। आपका ये आश्रम सिर्फ नाम का ही है ना, सही कहा ना? मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। चलता हूँ। अरे लोहिता दास आए हैं। कौन? सिनेमा डायरेक्टर। शूटिंग है? ए नहीं, वो सीता को ढूंढने आए थे, मैं दिखा के आया। हाँ, सीता से अब क्या, उसकी कहानी पे फिल्म बनाना चाहते हैं? नहीं, वो अपना उन्नी है ना, वो उनका दोस्त था। उसको एड्स है, बताया ना उसको। क्या बोलकर तुझे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्नी केवल मेरा दोस्त ही नहीं था, मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। उसने आत्महत्या किया? नहीं, ये मैं मान नहीं सकता। मैं भी नहीं मानती। मुझे और मेरे बच्चे को भूलकर उन्हें कभी नहीं जाएंगे।
तो बताओ हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सीता देखो, मैं एक बात कहूं तो मानोगी? बोलो। हम कितना भी रो ले, खोया हुआ वापस नहीं आता, तुम्हें समझना ही होगा। मैंने उन्नी को खोया, वो मैं सह रही हूं, लेकिन मेरा भी माँ बाप और मेरा गांव सब खो चुका है। ये धरती पे मैं अकेली हूँ, मैं क्यों जी रही हूँ? किसने कहा कि अकेली हो? तुम्हारे अंदर एक नई जान पल रही है, वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा है। उसे करुणा दिखाओ, प्यार दिखाओ। वो बच्चा तुम्हारे हर दुख को खत्म कर देगा, ऐसा सोचो। उम्मीद ही है जो हमें जगाए रखती है। ये सब के चक्कर में मैंने आपको एक चाय तक नहीं पूछी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। जब मैं बॉम्बे में था तुमने मुझे बहुत खिलाया। मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। वैसे अभी मुझे कोई कोड़े जाना है, फिर अगले हफ्ते बॉम्बे भी जा रहा हूँ। मेरे सिनेमा का 5 दिन का काम है, और वैसे अपना शरीफ भी आजकल बॉम्बे में ही है। जी हाँ। मैं उससे मिलूंगा, मुझे जानना है कि उन्नी को क्या हुआ। शूटिंग के बाद मैं फिर वापस आऊंगा, तब तक के लिए अपने बच्चे के लिए जीना, सब ठीक हो जाएगा। और अपने आप को शांत रखना। सही नहीं होगा, मौलाना जाके बात किया क्या हुआ? वो नहीं मानने वाला, घमंडी। अब दो ही रास्ते हैं, एक की दोनों को यहां से मार के भगाओ, नहीं तो दोनों को मार के नदी में फेंक दो। हाँ, मार के भगाया तो भी अबू नहीं जाएगा, उसने एक चीज मन में ठान लिया तो ठाना हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे इंसान के आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप लोग हाँ बोल दो, बाकी सब हम देख लेंगे। Oh.
बेटे अबू, क्या हुआ ये? क्या हुआ ये बेटा? उन लोगों ने मुझे मार ही डाला है। आओ राघव जी के यहाँ जाते हैं। नहीं, ऐसे हालत में सीता लेगी तो दुखी। तो फिर मैं तुझे कहाँ लेके जाऊँ? वहां होता तो अच्छे से सो सकता था तू। आओ से हुआ। मुझे दिखाए बिना अम्मी को मैं नहीं ले जाने दूंगा। मुझे मेरी अम्मी को देखना है। तुझे अम्मी को देखना है तो देख, समझे? कंधे पे लेना है ले ले, वैसे ही हम सब लोग निकल जाएंगे। उठाने के लिए सिर्फ तू ही होगा, और कब्र में दफनाने मस्जिद लेके मत आना। क्यों मानते हो? उसके लिए पूरे गांव को ठुकराया था ना तूने? जनाजा उठाओ।
नहीं, कोई बात नहीं, मेरी अम्मी मेरे दिल के अंदर है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी अम्मी को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। क्यों रो रही हो? मुझे कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है, तुम सो जा। अबू भाई, कोई तो आ रहा है। तुम अंदर जाओ। कौन है आप? क्या सीता का घर यही है? जी, लेकिन आप कौन हैं? मैं उन्नी का दोस्त हूँ, मेरा नाम लोहिदास है। अबू भाई, मैंने बताया था ना उस दिन आए थे, अंदर आ जाइए। अबू है ना, नदी किनारे से सब कहानी सुनी है। सच किसी को नहीं जाना सर, सीता की जान के पीछे है वो। जब तक मैं हूँ, मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बॉम्बे जाकर आप शरीफ से मिले? मिला। उन्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया है। किसने? अंडरवर्ल्ड के राजाओं ने। अंडरवर्ल्ड के बारे में उन्नी ने एक फाइल तैयार की थी, उसी का बदला लिया गया है। बीमारी और आत्महत्या सब उनकी बनाई हुई कहानी है। उनका नमक खाने वाले पेपर वालों को काम आसान हो गया, लेकिन सच्चाई हमेशा छुपी थोड़ी ना रह सकती है। उन्नी के कातिलों को अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने पहले ही बोला था, सच सामने आकर रहेगा, अल्लाह सब देखता है। सच्चाई पता चलकर भी उन्नी को खो दिया ना मैंने भाई, अभी तो मेरे माँ बाप को भी बीमारी की वजह से अछूत का थप्पा। बेटा, जिंदगी कभी कभी ऐसी ही है, विधि के सामने हारना नहीं जीतना है तुम्हें। साथ में अबू के जैसे मन वाला और धैर्यशाली एक भाई भी है ना। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सारे सबूत शरीफ ने मुझे दिए हैं। ये लो। अब इस लड़की की आंसुओं का अंत होगा ऐसा मान लूं मैं। अल्लाह की कसम खाता हूं मैं। अबू, अबू, क्या हुआ अच्युतन भाई? जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को यहां से लेकर निकल जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। अच्युतन भाई, हमारी उन्नी को कोई बीमारी नहीं थी। वो लोग इस घर को भी जला देंगे, तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। हम चलते हैं भाई, मुझे। तुम लोग जल्दी आओ, मैं नदी के किनारे इंतजार करता हूँ। बेटी फिक्र मत करो, हम चलते हैं। हाँ। अंदर मत जाओ, आ जाओ, चलो। जल्दी करो, चलो 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 नदी के पास, चलो। हाँ, आओ आओ, छोड़ेंगे नहीं। आओ, अरे आज तो मार देंगे। देखो उधर, हाँ, आग लगा देंगे उसके घर को। चलो चलो, जल्दी करो, नहीं छुपाओगे, मार देंगे उसे, आग लगा देंगे। जल्दी करो, आओ जल्दी जल्दी, आओ आ जाओ उधर। बाहर क्या, देखो बाहर क्या आ गया, चारों ओर देखो कहीं छिपा बैठो। दोनों कहाँ हो? कहाँ चले गए वो लोग? हाँ, मेरे घर को आग लगा दो। हाँ, कहाँ चले गए? इस कोने में भी नहीं है कोई। चलना
चलो नदी के पास, चलो चलो अभी भी निकले, चलो नदी के पास, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हें जाने मत देना, पकड़ो उन्हें, जाने मत देना, नहीं सकोगे, ठीक है। चलो चलो देखो देखो यही कहीं पर होंगे। सीता देखो उधर, देखो उधर, चारों तरफ देखो, देखो। सीता चलो यहाँ से। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाई। सीता नहीं, हिम्मत मत हार, चलो थोड़ा दूर। नहीं भाई, चलो चलो, मुझसे नहीं चला जाएगा। वो रही ना, भाग गए। कोई दूसरी नाव देखो, दूसरी नाव देखो, जल्दी करो। वो भाग गया, निकल गया। जिंदा जला दूंगा। अब दोबारा यहाँ पे लौट कर देखना भी मत। भाग जा। आने की तो बिल्कुल मत सोचना। दोबारा इस शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम इसी लायक हो। तुम्हें तो पहले निकाल देना चाहिए था। Ah!